हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो बेसिक मैथ का चैप्टर रहने वाला है, चैप्टर नंबर 3, दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात। तो स्टूडेंट, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर रहता है। आपको हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से जो क्वेश्चन है आपको देखने को पक्का मिलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने आज चैप्टर जो 3 है, रेशो और प्रोपोर्शन, शुरू किया है। स्टूडेंट, हमारा कंटिन्यू सिलेबस जो है वो चल रहा है। हमने फर्स्ट चैप्टर जो है नंबर सिस्टम का पूरा पढ़ा 2 या 3 पार्ट के अंदर, और सेकंड पार्ट के अंदर हमने एचसीएफ और एलसीएम को कंप्लीट किया। और आज हमारा जो 3 चैप्टर शुरू हो गया है, दैट इज योर रेशो एंड प्रोपोर्शनल, यानी कि अनुपात व समानुपात, ठीक है। अनुपात और समानुपात से हम लेक्चर नंबर 1, यानी कि पार्ट नंबर 1 जो है आज हम डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो के अंदर। तो स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को, ताकि सबको इसका बेनिफिट जो है वो मिल सके। क्योंकि बेसिकली जो मैथ हम पढ़ रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है, जिसको शून्य मैथ में शून्य आता है, शून्य से जो स्टार्ट हुए हैं बच्चे, जिनको कुछ भी नहीं पता, मैथ की जानकारी नहीं है, तो वो अगर इन वीडियोस को सबको देखता है तो आई होप कि उनको अच्छा जो है वो प्लेटफॉर्म मिलेगा यहाँ पर मैथ को कैरी करने के लिए, सीखने के लिए। तो स्टूडेंट, टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अनुपात का मतलब क्या होता है। जैसे आपके यहाँ पर 2:3 रेशो बोलते हैं इसको, हम 2:3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, 2:3, इसका मतलब ये होता है 2:3, यानी 2:3, ठीक है। और अनुपात को जो है बंटवारा करने के लिए प्रयोग करते हैं, यानी कि बांटने के लिए। जैसे कोई जमीन है या कुछ है, उसको 2 हिस्सों में बांटो, तो उसको रेशो में जो है हम बांटते हैं, यानी कि अनुपात में जो है हम बांटते हैं, और कुल के सामने जो है कुल अनुपात रखते हैं, एक के सामने एक का अनुपात रखते हैं। तो देखो स्टूडेंट, अनुपात वाले क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और कैसे हम इनको सोल्व करते हैं। तो देखो, आपको सबसे पहले तो बड़ा और छोटा अनुपात पता होना चाहिए। देखो, आपके पास कुछ अनुपात रख देगा 2.5, ये फर्स्ट टाइप है स्टूडेंट, हमारी टॉपिक 1 है। फर्स्ट टाइप में इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, 3:5, 5:6, 9:10, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि इन सभी रेशो में से, सभी अनुपात में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है, कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। तो अब आपने, वैसे तो आप देख के ये बता रहे हो कि ये अनुपात जो है वो बड़ा है, ठीक है, लेकिन हमें अगर सोल्व करना आ जाए, काफी बड़े बड़े आ जाए, तो उस टाइम आप क्या करेंगे, पॉइंट्स में आ जाए उस टाइम आप क्या करेंगे। तो उस टाइम कुछ ज्यादा नहीं करना, सबसे पहले हमने इनको देखना है, ये क्या है, 2:5 है, ये 3:5 है, ये 5:6 है, दैट इज 9:10। आपने कुछ भी नहीं करना, इसका जो ऊपर है, ऊपर वाला जो भाग है, आपको अंश है जो, वहां पर 0 लगा देनी है। हर किसी के अंश पे क्या लगा देनी है, 0। 0 लगाने के बाद आप इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 6, तो यहां पर आएगा आपका 8.3, और यहां पर आ जाएगा 9। तो देखो स्टूडेंट, यहां पर कितना इजी हो गया। अब यहां से ये आपको नंबर फॉर्म मिलगी, ठीक है, नंबर की फॉर्म मिल गई है यहां पर। नंबर की फॉर्म में आप बड़ा इजीली बता दोगे कि कौन सा इनमें से सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा कौन है, 9। तो यानी कि आपका 9:10, यानी कि 9:10 जो है वो बिग था। ऐसे ही स्टूडेंट अगर छोटा पूछते तो आपका क्या रहता है, 2:5 जो है वो आंसर रहता। तो इस टाइप के स्टूडेंट आपसे काफी सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारी आज, ये फर्स्ट टाइप हो गई हमारी, ठीक है। तो स्टूडेंट, सेकंड टाइप जो है हम पढ़ेंगे, लगभग हम इस वीडियो के अंदर 7 से 8 टाइप जो है वो पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट। तो इसलिए थोड़ा सा कॉपी पेन लेके बैठिएगा साथ में, क्योंकि साथ के साथ स्टूडेंट इनको आपने कॉपी पे लिखना है, नोट करना है स्टूडेंट, ठीक है। नोट करोगे तो आपको काफी ज्यादा इसका बेनिफिट मिलने वाला है स्टूडेंट, ठीक है। तो चलते हैं अगले टाइप पे। तो स्टूडेंट, टाइप सेकंड पे चलते हैं, यानी कि हमारा टॉपिक जो है वो सेकंड रहेगा। देखो, टॉपिक 1 में हमने पढ़ लिया, अगर बिग या स्मॉल पूछ ले रेशो तो आपने बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप जो है ये रहने वाला है, इसको जरूर नोट करना स्टूडेंट। काफी सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में मोस्टली यही टाइप पूछी जाती है। ऐसे दे देते हैं, इफ यानी यदि, यदि ए रेशो बी इज 2:3 एंड द बी रेशो सी 4:5
एंड द सी रेशियो, पहले दो वाला करवाते हैं स्टैंड, तीन वाला फिर करेंगे, ठीक है। आपको ये दो रेशो दे दी, ठीक है, तो ऐसे पूछेगा तब ए रेशो बी रेशो सी ये कितना होगा, ठीक है। ए रेशो बी की वैल्यू दे दी 2/3, बी रेशो सी की दे दी 4/5। अब आपको इन तीनों की बतानी है, तो इसमें स्टूडेंट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आप इसमें क्या करेंगे, ए रेशो बी रेशो सी, ठीक है, ए रेशो बी रेशो सी ये करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद ए और बी की रेशो क्या थी, 2/3, 2/3 लिख दी, तो बी और सी की रेशो क्या थी, 4/5 ऐसे लिख दी। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, उसी को आगे बढ़ा देना है, जहां पे आगे खाली जगह होगी उसी को, उसी नंबर को आगे बढ़ा देना है, यानी कि ये 3 है ना, तो इस पे यहां पर हमने सेम यही नंबर लिख देना है, तो लिख दिया। अब यहां पर खाली जगह है, तो यहां 4 था, तो यहां पे भी सेम नंबर वही लिख देना है आपने, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पे नोट कर लेना स्टूडेंट, जो यहां पर नंबर है उसके आगे खाली जगह बची है हमने वही लिख देना है, ठीक है। अब लास्ट में हमने क्या करना है, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इससे, इसकी इससे। यदि आप ऐसे भूल जाते हो तो आपने कैसे करना है, इसकी इससे मल्टीप्लाई, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इस तरीके से आप करते हो, फिर उसके बाद इसकी इससे करनी है, ठीक है। इस तरीके से करते हो आप भूल जाते हो, ठीक है। तो इसलिए सबसे इजी मेथड कौन सा है, इजी मेथड यही है कि जो रेशो दे रखी है ऐसे की ऐसे लिख लो और उसको थोड़ा आगे बढ़ा दो, एक स्टेप आगे बढ़ा दो, यहां से भी इसको इससे बढ़ा दो। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो कितनी आएगी, 15, 12, 8, तो ये आ गई आपकी 8/12/15, यानी कि ये कितना निकल के आ गया हमारा, 8/12/15, तो ये आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये कई बार डी का भी दिया होता है, ठीक है, तो उस केस में भी आपने ऐसा ही करना है, ठीक है, इसी टाइप से आपने इसको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट अगली टाइप पे चलते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर अगला टाइप करते हैं स्टूडेंट्स हम इस वीडियो में। इन क्वेश्चंस को साथ साथ करने में काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा स्टूडेंट, तो इसको साथ साथ जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, टाइप जो थर्ड हम करने वाले हैं, इसमें थर्ड टाइप आती है, इफ यदि 2a = 3b, यानी कि 2a किसके इक्वल हो गया 3b के, और 3b किसके इक्वल हो गया 4c के, ठीक है। 2a तो हो गया 3b के, और 3b किसके इक्वल हो गया 4c के, तो कह रहा है कि आपने फाइंड आउट करना है a रेशो बी रेशो सी, इसको आपने फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है, ये भी पिछले जैसा ही है, बस थोड़ा सा यहाँ ये कंफ्यूजन रह जाता है स्टूडेंट, 2a = 3b है तो इसको कैसे सॉल्व करें। तो इसको सॉल्व करना है, अनुपात को विपरीत लिखना है बस, a वाला रेशो जो है वो तो हो गया b का, और b वाला रेशो a का, यानी 2a है ना तो 3b है, तो a का रेशो तो हो गया 3 और b का हो गया 2। अगर नहीं समझ आया तो मैं ऐसे लिख के भी दिखा सकती हूँ, जैसे देखो 2a = 3b है, ध्यान से देखना, ठीक है। तो यहां पर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, इसको ऐसे लिखती हूँ, a के बाय में 3, सारा सोल्व करके दिखा देती हूँ, बाय में 3 = b, सेम एज इट इज a/3 = b/2, ऐसे भी तो लिख सकती हूँ। अब r पार गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेम यही इक्वेशन मिल जाएगा जो था 2a 3b। इसका मतलब यह है कि a/3 का क्या मतलब होता है, a/3 का मतलब होता है a/3, यानी कि a का रेशो कितना हो गया 3, ठीक है। तो मैंने यही बताया आपको, अगर आप इतना लंबा करते हो तो आपके पास टाइम कम बचेगा पेपर में, आपने क्या करना है, इसका रेशो इसके विपरीत होगा, यानी 2a = 3b है, यानी a का रेशो 3, b का रेशो 2, सेम एज इट इज b का रेशो यहां पर 4 और c का रेशो क्या हो गया 3, ठीक है। तो यहां पर आप इस तरह से इसको फॉलो करेंगे, इस रूल को, अब सेम एज इट इज जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे करेंगे, a रेशो b रेशो c, ठीक है। अब a और b की रेशो क्या थी, अभी बताया था a की रेशो होगी 3, उल्टा लिखना है ना हमें, a की रेशो 3 होगी और b की रेशो कितनी हो गई 2 हो गई, और यहां पर मैंने आपको बताया था जो यहां होता है खाली स्पेस पे वही यहां पर लिख देना है। अब देखो स्टूडेंट आपकी b और c की रेशो, देखो b की रेशो होगी 4 और c की रेशो कितनी होगी 3, उल्टा लिख दिया, और यहीं पर इसको बढ़ाकर हमने सेम एज इट इज लिख देना है। आगे स्टूडेंट आप खुद भी कर सकते हो गया 6, 8, 12। और स्टूडेंट एक और बात देखो, रेशो को जितना छोटा हो सके उतना छोटा करके लिखने की कोशिश किया करो, यानी कि यहां पर मेरा ये आ गया, ठीक है। अब ये देखो 2 पे कट सकता है, तो जितना छोटा रेशो हो सके उसको कर दो, 2 6 2 4 2 3, यदि यहां पर 2 होता तो मैं इसको और छोटा कर सकती थी, तो यही हमारा यहां पर आंसर आ गया। तो ये काफी ज्यादा जो है स्टूडेंट टॉपिक थर्ड जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट, अगला टाइप जो है करेंगे। तो स्टूडेंट जल्दी जल्दी से करना है इस वीडियो को हमें,
और थोड़ा लंबा भी रहने वाला है ये वीडियो स्टूडेंट, क्योंकि अनुपात वाले काफी सारे टॉपिक हैं स्टूडेंट, इसके टाइप बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, अभी तो हम टाइप नंबर 4 पे पहुंचे हैं और काफी सारे टाइप जो है हमें इनके करने हैं। तो टाइप 4 देखो स्टूडेंट, यहाँ पर किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। थोड़ा वीडियो में स्पीडली खींच रही हूँ टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि ये काफी ज्यादा टाइप्स हैं इस वीडियो के अंदर हमारे। यहाँ पर क्वेश्चन आ गया आपका लाइक दिस, ठीक है, और आपको अभी ये बोलेगा कि ए की वैल्यू फाइंड आउट करो। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करो? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, यानी ए की वैल्यू फाइंड आउट करो, यानी कि ए का रेशियो बताओ। तो स्टूडेंट अगर मैं आपको सिंपली बताऊं, सिंपली भी बता दूंगी, सिंपली क्या होगा, इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करा देनी है, इसको इससे मल्टीप्लाई करा देनी है। ये तो है ट्रिक के साथ, ठीक है, ट्रिक के अकॉर्डिंग तो ये बनेगा हमारा, ठीक है। ट्रिक के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, 16A इज इक्वल टू 42 इंटू 32, ठीक है, और a इज इक्वल टू 42 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 16, और 16 टू ज 32 एंड द 42 टू ज 84। देखो एज ए ट्रिक तो हम इसको सोल्व कर देंगे ऐसे। यदि आपको ट्रिक नहीं आती तो देखो हम फिर क्या फॉलो करेंगे, 16:42 यानी कि 16:42। यहाँ पर डबल अनुपात है, ये किसके इक्वल है, इज इक्वल टू के। यहाँ हो गया आपका 32 डिवाइडेड बाय a, ठीक है। अब इसकी आर पान गुणा करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी यही इक्वेशन आ जाएगी जो हमने अभी बाय ट्रिक की थी। बाय ट्रिक करना बहुत इजी है, आपने क्या देखना है, इसका जो है ये रेशो यहां मिलेगा आपको, इसका रेशो यहां मिलेगा, ये चीज को बस थोड़ा सा नोट कर लेना। बाकी दोनों टाइप आपके सामने है, जोन सी आपको इजी लगे आप उसी को फॉलो कर सकते हो। तो स्टूडेंट हमारा ये टॉपिक नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। तो अगला टॉपिक करते हैं स्टूडेंट, इसी से रिलेटेड है अगला टॉपिक, टॉपिक नंबर 5। टॉपिक 5 स्टूडेंट इसी से रिलेटेड है। देखो टॉपिक 5 में अब क्या करना है हमें, ऐसे दिया होगा क्वेश्चन 15, 20 एंड 45, इसका चतुर्थ यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन यानी कि चौथा अनुपात बताओ, आपको इसका चौथा अनुपात बताना है स्टूडेंट, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट सेम एज इट इज इसको हम पिछले वाला क्वेश्चन बना लेते हैं। देखो 15 गिवन है, 20 गिवन है, डबल रेशो 45 गिवन है। सपोज कर लो इसको ए बी सी जो भी आपको अच्छा लगे, सेम एज इट इज क्या करना है हमने, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे, 15A इज इक्वल टू 20 × 45 एंड द ए इज इक्वल टू यहां पे लिख देते हैं स्टूडेंट, ए इज इक्वल टू 20 × 45 डिवाइडेड बाय 15। तो देखो 15 थ्री जा और 20 थ्री जा 60, तो यहां पर जो चतुर्थ अनुपात आ गया वो क्या आ गया, 16। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 15:20 ( 45 एंड द रेशो 60। तो ये हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। तो इसी टाइप से आपने ये क्वेश्चन करने हैं। अगली टाइप पे चलते हैं, एक और दो टाइप और पढ़ेंगे हम इस वीडियो में स्टूडेंट, थोड़ा लंबा वीडियो रहेगा स्टूडेंट, अंत तक जरूर देखिए वीडियो को, आपको काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है इस वीडियो में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप आती है टाइप नंबर 6, 9 और 16 स्टूडेंट। मैं एग्जांपल लेके इसलिए बता रही हूं ताकि हमारा टाइम जो है वो कम से कम यूज हो। यदि मैं आपको पहले टाइप बताऊं उसके बाद क्वेश्चन करवाऊं तो उसमें काफी लंबा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन उठा रखे हैं। 9 और 16 यानी 9 और 16 का मध्यानुपाती बताना है, मध्यानुपाती ज्ञात करो, ठीक है। इन दोनों का मध्यानुपाती का मतलब होता है इसमें संख्याओं का गुणा करके उसका वर्ग करना है बस। अब जो भी आपको संख्या दी होगी ना उनको आपस में मल्टीप्लाई करो, संख्या क्या गिवन है 9 × 16 कर देना है, यानी पहले आपने मल्टीप्लाई करना है, जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसका आपने क्या कर देना है, वर्ग कर देना है, यानी कि उसका स्क्वायर कर देना है, तो स्क्वायर रूट निकाल देंगे इसका, ठीक है। तो देखो अब क्या हो गया, 9 को 16 करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है आपका 144, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 12 × 12, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 12 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है तो सिंगल आंसर क्या आ गया, 12। तो इन दोनों का जो मध्यानुपाती है वो क्या है स्टूडेंट, आपका 12 है,
ठीक है। तो आप इस तरह से सोल्व कर सकते हो स्टूडेंट, काफी ज्यादा आपको बेनिफिट जो है इससे मिलता है, ठीक है। और आपको अगर आप पेपर में, ये तो छोटी थी स्टेटमेंट, अगर बड़ी आ जाए उसमें दिक्कत होती है, छोटी में तो आप करके भी देख सकते हो, छोटी में तो आप क्या करते हो खुद ही लिख के देख लेते हो कि मध्य अनुपात क्या हो सकता है। आप क्या करते हो 9 से लेके 16 तक लिख देते हो, 9 10 11 12 13 14 15 16, फिर उसके बाद देखो एक इधर से छोड़ी, एक इधर से, दो छोड़ी, दो इधर से छोड़ दी, तीन इधर से छोड़ी, तीन इधर से छोड़ी, चार छोड़ी। तो हमने यहाँ पर आके देखा ये दोनों आ गए हमारे, ठीक है। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर ट्रिक यूज करेंगे, तो ट्रिक में ये करना है, आपने जो भी दो संख्याएं दी होंगी उसको मल्टीप्लाई कर देना और उसका स्क्वायर रूट कर देना है, तो वही आपका मध्य अनुपाती होता है। तो ये तो सिंपल टाइप थी स्टूडेंट हमारी, तो एक टाइप और कर लेते हैं स्टूडेंट इसके अंदर, ठीक है। एक या दो टाइप और करवा देती हूँ मैं आपको, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी, साथ के साथ करना है, इंटरेस्ट लेना है वीडियो में, और आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहने वाली है ये सारे के सारे टॉपिक। अब टॉपिक 7 जो है हम इसमें करते हैं, यदि 4500 को ए व बी में 2:3 में बांटें तो बी को कितनी राशि मिलेगी। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पर ए और बी है, ए रेशो बी, कितने में बांटेंगे हम इनको, 2:3 में, यानी कि इनका जो टोटल होगा वो कितना होगा, टोटल तो हो गया 2+3 यानी कि 5 हो गया, ठीक है। तो अब देखो 5 तो टोटल है, कितनी राशि को बांटना है। मान लो कि मैंने इसको मान लिया कि 5A, ठीक है, 5A, यानी कि हमें तो दोनों की मिल रही है ना, जबकि निकालनी तो हमें एक की है, ठीक है, इसलिए दोनों के लिए मैंने लिख दिया A, ठीक है। अब A से क्या होगा, इन दोनों का बंटवारा हो जाएगा, A लगा दिया मैंने अपनी तरफ से, तो 5A इज इक्वल टू कितनी राशि है, 4500। तो देखो A की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ पर, 900, ठीक है। अब देखो A तो हमारा आया 900, अब देखो A का अगर उसने बोला होता कि A का निकाल लो, A क्या है 2, यदि A का निकालना, उसने तो पूछा है B का, ठीक है, B की राशि निकालनी है, यदि हमें A की निकालनी होती तो हम करते 2A, यानी कि 2×900 यानी कि 1800, ठीक है। अब उसने पूछी किसकी है, B की, तो B का रेशो कितना है, 3×A यानी 3×900 यानी कि 2700 जो है वो B की राशि मिलेगी, ठीक है। तो स्टूडेंट इस टाइप से जो आपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं, कुछ भी इन क्वेश्चंस में नहीं है। तो स्टूडेंट यही टाइप हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा स्टूडेंट, अगली वीडियो बनाई है मैंने, अगली वीडियो के अंदर हमने अगली भी इनकी टाइप जो है की है सारी की सारी। तो स्टूडेंट वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन जो आपको मिल सके, अगला पार्ट डालूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिल जाएगा। थैंक यू।